हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है आकाश और मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ जैम से रिलेटेड वीडियोस। दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी इशू फेस हो रहा है जैम की रिगार्डिंग या फिर आपकी कोई क्वेरी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी जो भी क्वेरी है उसको पूछ सकते हैं मुझसे डायरेक्टली। ओके, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई भी ऑर्डर है जिसका कि ऑर्डर वैल्यू लेस देन 25,000 और इक्वल टू 25,000 है, तो फिर कैसे हम उसका लिंक जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऑर्डर्स जनरली लिंक के थ्रू परचेज होते हैं। ठीक है, और चूंकि ऑर्डर वैल्यू बहुत कम होता है तो मार्जिन भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और अगर आप किसी और से बनवाते हैं, किसी एक्सपर्ट से बनवाते हैं लिंक अपना, तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ पे करना होगा। ठीक है, कोई भी फ्री में काम नहीं करके देगा आपको, तो आप इसको खुद से बनाना सीख सकते हैं बहुत ही सिंपल स्टेप्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम जैम लॉगिन करेंगे। जब भी आप जैम लॉगिन करते हैं तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आता है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली मार्केट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मार्केट पे क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप का आपके पास इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद फिर मान लीजिए कि मैं किसी एक कैटेगरी को ओपन कर लेता हूँ। आपको जिस भी कैटेगरी में बनाना है कैटेगरी टाइप कर लीजिए। मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं रिवॉल्विंग चेयर लेता हूँ। ठीक है, मुझे किसी चेयर का लिंक बनाना है जिसका प्राइस मान लीजिए मैं 10,000 मान लेता हूँ, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, 10,000 का एक चेयर मुझे डिपार्टमेंट में देना है। हम लोग मार्केट में आएंगे। अगर आपके पास कोई अपना ब्रांड है, मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड ब्रांड में आप डील करते हैं, आप सिंपली उसको अपलोडिंग कर लीजिए। अपलोडिंग करने का एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। अगर नहीं है, मार्केट में आइए। मार्केट में आने के बाद ये आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, मेक मॉडल सेलेक्शन और प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, मेक इन मॉडल में जाइए। मेक इन मॉडल में जैसे ही आप जाएंगे आपके दो ऑप्शन मिलेंगे, ब्रांड और मॉडल। ठीक है, ब्रांड पर आप जाइए और यहाँ पर आप NA, अनब्रांडेड भी बोलते हैं इसको, NA टाइप कीजिएगा। आपके पास देखिए आ गया NA, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आपने यहाँ से अपना एक अनब्रांडेड आइटम, अनब्रांडेड ब्रांड सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब आपके पास देखिए यहाँ पे बहुत सारे जितने भी आइटम्स होंगे सभी अनब्रांडेड होंगे, क्योंकि हमने फिल्टर यूज़ कर लिया अनब्रांडेड वाला। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बायर को जो चेयर देना है उसके कुछ स्पेक्स भी हैं, ठीक है, आप यहाँ से स्पेक्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी स्पेक्स चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, किस टाइप का चेयर होगा, उसकी मतलब आम मटेरियल क्या होगी, आर्मरेस्ट मटेरियल, ठीक है, सीट की मटेरियल क्या होगी। अगर ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि बायर डिमांड कर रहा है इन चीज़ों की, आप कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली अगर उसको ये चाहिए कि नीचे रिवॉल्विंग चेयर दे दो मुझे इस रेट में, कुछ भी दे दो, ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ से आएंगे और यहाँ से जितने रिवॉल्विंग चेयर्स हैं वो देख लेंगे। मान लीजिए मैंने 10,000 बोला है, तो ये सभी तो 10,000 से कम के हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। ये देखिए आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ लो टू हाई दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक नीचे भी दिखाएगा हाई टू लो, प्राइस आप कैसे देखना चाहते हैं, कम से ज़्यादा की तरफ या ज़्यादा से कम की तरफ। ठीक है, तो मैं हाई टू लो कर देता हूँ। हमें पहले सबसे ज़्यादा प्राइस दिखाएगा, उसके बाद धीरे 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 पेज टू पेज कम होते जाएगा प्राइस। मैंने हाई टू लो सेलेक्ट कर लिया और हाई टू लो जैसे मैंने सेलेक्ट किया, अभी प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग के बाद हमारे सामने एक सेम पेज ओपन होगा, बट उसमें क्या होगा, प्राइस जितने भी हाईएस्ट प्राइस वाले होंगे चेयर वो सभी आपको यहाँ पे ओपन होकर आ जाएंगे। देखिए पहले वहाँ पे 2,000-3,000 रिफ्लेक्ट कर रहा था, बट अभी यहाँ पे 15,000-13,000-12,000। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको 10,000 का जैसे कि मैंने बात की थी चेयर आपको देना है कोई, सिंपली आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, ओपन लिंक इन न्यू टैब कीजिए। जैसे ही आप इसको न्यू टैब में ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो गया प्रोडक्ट, और कुछ नहीं करना है, ये आपको सेल दिस आइटम का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स एक चीज़ और है, चलिए वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आप किसी ब्रांड को पेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक बार डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ये ओपन कर लिया और कुछ नहीं करना है, सेम आपको सेल दिस आइटम पे क्लिक करना है। आपने सेल दिस आइटम पे जैसे ही क्लिक किया, ये आपको एक दूसरे इंटरफेस पे लेके चला जाएगा, दूसरा विंडो एक ओपन हो जाएगा, प्रोसेसिंग हो रही है और ये देखिए हमारे सामने विंडो एक दूसरा ओपन हो गया। ठीक है, जब हम अपलोडिंग करते हैं तो कुछ इसी टाइप का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होके आता है, जब कोई फ्रेश अपलोडिंग करते हैं एड न्यू ऑफरिंग में जाके। ठीक है, तो अभी ये ओपन हो रहा है और ये देखिए, यस, जैसे ही आपका ये पेज ओपन होगा तो आपके सामने एक इस टाइप का एक नोटिफिकेशन आएगा, अ जैम कैटलॉग एग्जिस्ट विद दिस जैम कैटलॉग आईडी, डू यू वांट टू पेयर विद इट। ये पूछ रहा है कि जो आपने आइटम पेयर किया है, जो जैम कैटलॉग है, वो सेम आईडी के साथ अवेलेबल है, आप पेयर करना चाहते हैं, आपको हमेशा इसको ओके करना है। ठीक है, जब भी अगर आप कोई प्रोडक्ट पेयर कर रहे हैं लिंक बनाने के लिए, तो आपको यस ओके करना है। मैंने इस पर ओके किया। ठीक है, जैसे ही मैं ओके करूँगा तो हम जब अपलोडिंग करते हैं तो 5 पेजेस में, 5 स्टेप्स में होता है। ठीक है,
तो फर्स्ट सेकंड और ये आप देखिए, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ और फिफ्थ, ये ऑलरेडी आपका सब कुछ जो जैसा है वैसे ही रहेगा, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, ऑथराइजेशन नंबर में अगर आपके पास नहीं है तो अनब्रांडेड डाल दीजिए। ठीक है, जनरली हम अनब्रांडेड का कर रहे हैं तो एन ए लिख सकते हैं। ठीक है, ऑथराइजेशन डेट सिक्स मंथ टू वन ईयर आप कुछ भी डाल सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक अपना कुछ भी एक डेट टाइम डाल दिया, ये 30 डाल दिया, कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया ले लिया हमने। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें आपको मेक इन इंडिया डिक्लेयर करना है तो यस कर दीजिए, भाई नो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और मैंने जैसा कि बताया था कि मुझे जो लिंक बनाना है वो 10,000 का बनाना है, तो मैंने यहाँ पे 10,000 प्राइस डाल दिया। और किस लोकेशन के लिए आपको बनाना है, तो मैं दिल्ली के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। आपका जो भी लोकेशन है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत ही सिंपली। ठीक है, क्वांटिटी कितनी रखनी है, करंट स्टॉक कितना रखना है, मान लीजिए कि मुझे वैसे देना तो एक ही चेयर है बट मैं करंट स्टॉक में 10 डाल देता हूँ। ठीक है, इनकेस बायर को दो चेयर भी लेना होगा तो भी ये डायरेक्ट परचेस के थ्रू ले सकता है, क्योंकि दो चेयर 20,000 का होगा और हमारा जो लिमिट है डायरेक्ट परचेस का वो 25,000 रुपये है। ठीक है, मिनिमम क्वांटिटी पर कंसाइनी मिनिमम कितना ले सकता है, एक ले सकता है। ठीक है, और लीड टाइम परचेस 1 to 10 है, मैं मैक्सिमम डाल देता हूँ 10। ठीक है, सेवन प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, जैसे हम सेवन प्रोसीड पे क्लिक करेंगे हमारा पेज देखिए फिल हो गया है। ठीक है, फिर वही है अपलोडिंग वाला जो हमारा प्रोसेस होता है, रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करेंगे, हमें कुछ करना नहीं होता है, जनरली एक फॉर्मेलिटी है। तो मैंने रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक किया, उसके बाद फिर यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक किया, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको हम एग्री करते हैं, उसका चेकबॉक्स है उस पर क्लिक किया, कैप्चर डाला और पब्लिश पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है जनरली। ठीक है, जैसे ही मैंने पब्लिश पे क्लिक किया, ये देखिए आप, एक मिनट, दोबारा से लगता है क्लिक करना पड़ेगा, यस ये देखिए क्या आया है, ग्रेट योर प्रोडक्ट इज सक्सेसफुली अपलोडेड एंड विल बी पब्लिश्ड। ठीक है, कहाँ पे देख सकते हैं, कैटलॉग मैनेजमेंट में डैशबोर्ड में जाके देख सकते हैं, पब्लिश्ड सेक्शन के अंदर आपको दिखेगा। ठीक है, 4 to 6 hours का टाइम लगता है लिखा हुआ है यहाँ पे, इन केस ऑफ न्यू कैटलॉग इट मे टेक 4 to 6 hours फॉर द कैटलॉग टू रिफ्लेक्ट ऑन द मार्केट प्लेस एंड बी अवेलेबल फॉर बिडिंग आफ्टर द कैटलॉग इज अप्रूव्ड। ठीक है, ऑटो अप्रूव होगा, जैम के थ्रू होगा, ओईएम अप्रूव होगा, वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे अप्रूवल डाला है, अगर कोई ब्रांड यूज़ किया है आपने तो आपको ओईएम के पास जाएगा। ठीक है, अदरवाइज एडमिन क्लियरेंस में जाता है। आपको फिर क्या करना है, अगर दूसरा कोई लिंक बनाना है तो अपलोड अदर प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, आप दोबारा से वहाँ चले जाएंगे सेम प्लेस पे जहाँ से हमने इनिशिएट किया था इस प्रोसेस को, अदरवाइज आप डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिए। आप डैशबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। कहाँ दिखेगा, अभी पब्लिश्ड में नहीं दिखेगा, अभी दिखेगा वेटिंग में, क्योंकि कोई प्रोडक्ट तुरंत पब्लिश नहीं होता है। ठीक है, देखिए हमने इसी रिवॉल्विंग चेयर को, मैं आपको दिखा देता हूँ, HB रिवॉल्विंग चेयर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए इसी रिवॉल्विंग चेयर को हमने पेयर किया था और ये अभी वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस में है, और थोड़े बहुत देर में, चूँकि हमने पेयर किया, कोई फ्रेश अपलोडिंग नहीं की है, तो मुझे लगता है कि आधे घंटे में इसका जो जेन्युइन टाइम है वो 4 hours है। ठीक है, बट ये आधे घंटे में आपका पब्लिश्ड वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। ठीक है, उससे पहले भी हो सकता है, थोड़ा बहुत लेट भी हो सकता है, देखिए ऑनलाइन है सब कुछ, तो इसके जितने बेनिफिट्स हैं उतने ड्रॉबैक्स भी हैं, है ना। तो ये था अपना एक सिंपल सा प्रोसेस लिंक बनाने का। ठीक है, और आपको अगर पता करना है कि कैसे, मतलब आइटम आपका लिंक आप कैसे इसको शेयर कर सकते हैं, जैसे आपको प्रोडक्ट यहाँ पे पब्लिश होके आता है, मान लीजिए कि प्रोडक्ट अभी आपका पब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है, ये अभी आपका वेटिंग में है, किसी भी लिंक को कैसे शेयर करते हैं, सिंपल है बहुत ही। मान लीजिए कि मुझे ये मास्क का ही शेयर करना है, ठीक है, सिंपली मैं इस पे जाऊँगा, पब्लिश्ड वाले सेक्शन में हूँ मैं, और क्लिक करूँगा राइट, ओपन लिंक इन न्यू टैब करूँगा। हर बार जब भी आपको किसी लिंक को शेयर करना है, आपको उस लिंक को न्यू टैब में ओपन कर लेना है। ठीक है, न्यू टैब में इसको ओपन करके और इस लिंक को मैं कॉपी कर लूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और लिंक को कॉपी, कंट्रोल सी कर लिया, व्हाट्सएप पे जाइए, या फिर आप कहीं और शेयर करना चाहते हैं, मेल पे करना चाहते हैं, मेल पे जाइए, कंट्रोल वी कीजिए, यानी कि पेस्ट करना है, उसको पेस्ट करते ही आप उसको सेंड कर दीजिए, सिंपली आपका लिंक ये है, बायर के पास चला जाएगा, जब भी बायर इसको ओपन करेगा आपका प्राइस रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये था एक सिंपल प्रोसेस था जिसके थ्रू हम अपना थोड़ा बहुत पैसा जो भी है हम देते हैं किसी एक्सपर्ट को लिंक जनरेट करने के लिए, वो बचा सकते हैं। ठीक है, और सीख भी सकते हैं, जैम पे अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसके बारे में हमें आइडिया भी होना चाहिए।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा जो प्रोसेस है बताने का वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी है आपके माइंड में तो आप कमेंट भी नीचे छोड़ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। ओके ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।